सरगुजा जिले में इन दिनों ठग गिरोह काफी सक्रिय है। जनता ठग गिरोह के झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी गवा रही है। वहीं अब सरगुजा पुलिस ने ठग गिरोह के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हम आपको बता दें कि अंबिकापुर में लगातार चिटफंड कंपनी के मामले सामने आ रहे हैं। एक मामला अंबिकापुर के MG रोड से लगे आइटम कंपनी का, जिसमें लड़के एवं लड़कियों को धोखे से बुलाकर उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि आप ज्वाइनिंग करिए, ज्वाइनिंग करते ही आप एक महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। उसमें 11 सेट कपड़े दिए जाते हैं जिसकी कीमत 5 से 10 हजार रुपए प्रति कपड़े की होती है, जिससे वहाँ की लड़की व लड़कियाँ संतुष्ट नहीं थी क्योंकि इन कपड़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और कीमत भी इतनी नहीं थी, जिससे असंतुष्ट युवक एवं युवतियों ने जब महसूस किया कि वे ठगी के शिकार हो चुके हैं तो थाने में पहुंचकर FIR दर्ज करवाई। थाने में बयान दिया कि लगभग वो 5 लाख रुपए से अधिक की ठगी के शिकार हो चुके। तब बयान के आधार पर जांच करने पर सही पाया गया तो गांधीनगर थाना द्वारा दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया व न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से भारत TV के लिए महेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। ATM नाम की कंपनी है, इनके द्वारा बेरोजगार लोगों को ये झांसा दिया जा रहा था कि आप हमारे सदस्य बनिए और इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए तो इससे आपको रोजगार भी मिलेगा और पर्याप्त आप लोगों की आय होगी, जबकि उसके बदले पैसे के बदले इनके द्वारा उनको कपड़े उपलब्ध कराए जा रहे थे। वे कपड़े क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक एक पैंट की या शर्ट की कीमत 5,000, 6,000, 10,000 ऐसी कीमत में उनको दिया जा रहा था। अंबिकापुर से ही पकड़े गए हैं। जनता की सूचना पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी और जनता को इसका लाभ मिलेगा। इस प्रकार की जो कंपनियां क्षेत्र में संचालित हैं और लोगों से ठगी कर रही हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई, उनको संदेश यही देना चाहेंगे कि बिना जाने और उस कंपनी के बारे में समझे बिना पैसा ना लगाएं। अभी तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ 5,25,000 रुपये की लेन देन की बात आई है, लेकिन और भी हितग्राही होंगे जैसे जैसे वो सामने आएंगे उसमें उनकी जानकारी मिलती है।